नमस्कार ट्विन सिटी टॉप खबर सह अर्गस बारवाटी धौली एक्सप्रेस आरंभ करिबा खबर यात्रा किंतु बुलेटिन को आपको नवा पूर्व प्रथम देखने हेडलाइंस कलेज छात्र तुषारकांत साहू मृत्यु घटना जगतपुर थाना पुलिस हाथ दुई अभियुक्त दिव्य रंजन बेहरा और कौशल प्रधान को कोर्ट चलाण प्रेम व्यापार को नहीं हत्या सन्देह पुणि नुआ तरीका अपणाइले साइबर ठक साहाज्य नारे युवती करुछंति ब्लाकमेलिंग फटो वायरल होइतिबा कहि युवती करुछंति फोन सेपटे भली कल न उठेबा को अपील कला पुलिस डीआरडीओ तथ्य नहीं घटना खोलुछि रहस्यमय महिलांकर रहस्य प्रथमे ट्राप होइथिले सचिन मोबाइल हैक करी आईटीआर रा गतिविधि उपरे रखुथिले नजर पदारे पड़ा बीएमसी अपारगता दोष लुचाइवा को महानगर निगम ताली पक्का उद्यम मुकुला ड्रेन स्थायी समाधान परिवर्ते कला बाउंस बैरिकेड एभली प्रयास को साधारण रे निंदा एमसीसी प्लांट बढ़ाला चिंता पचा गंधरे फाटुची पूरा परिवेश बीएमसी को दायी कले कपिल प्रसाद बीडीए बासिंदा दूषित परिवेश रहा कष्टकर कही आणले अभियोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस सम्मान 2.5 कोटी टंकार व्याख्यान केन्द्र पलटि असबाजिकों आड्डा स्थल 2016 निर्मित केन्द्र अचल सीएनसी और जिला प्रशासन अपारगता नहीं उठिला प्रश्न गरीबों देवदूत साजिले डाक्तर निस्वार्थपर सेवा करी चर्चे डाक्तर सुब्रत महांती लोकों सेवे जीवन को उत्सर्ग निज आड़ डाकी साहय हाथ बढ़ाए कैपिटल हस्पिटाल अर्थोपेडिक डाक्तर ख्रीष्ट कलेज छात्र तुषारकांत साहू मृत्यु घटनारे दुई जन को गिरफ्त कर जगतपुर थाना पुलिस से दुई अभियुक्त को गिरफ्त कर गिरफ्त अभियुक्त है दिव्यरंजन बेहरा और कौशल प्रधान दुई अभियुक्त को कोर्ट चालाण कर अगस्ट 3 तारिख में तुषार बाइक नहीं घर बाहरी जाते तेरे पुओ घर को न फेर नहीं परिवार लोके विभिन्न स्थान में खोजाखोजी करने कैंटेनमेंट थाना अभियोग अगस्ट 5 तारिख में जोब्रा ब्यारेज रु तुषारकांत मृतदेह मिलता हत्या पछरे पुओर बांधवी हाथ परिवार लोके अभियोग करते सेठ जुबू आलियास दिव्यरंजन बेहरा डीसी तुषारकांत साहू को मध्य बाड़ी थिला जोपे तुषारकांत साहू सी तार मानसिक स्तर में ठीक नथला एवं मानसिक माने डिप्रेस्ड बहुत होता एवं यही आक्टिविटीज पाई चारि जन आक्टिविटीज पाई से माने ताकु जो प्रकार टॉर्चर निर्यातना देते सी तार सुइसाइड करथला कमिटेड सुइसाइड नई कि डेंगी करथला किंतु ए चारि जन ताकू सुइसाइड करिवारे प्रम्प्टेड करथिले तेणु एमाने इनक्वारी जना पड़ता है यही जो ही सी सुइसाइड करिछि तेणु तापर से गोटे एस आई पी के दास गोटे रिपोर्ट देते से संक्रांत आमर जगतपुर थाना गोटे केस रुजु कर 15/9/2021 आमे दुई जन आक्यूज को आरेस्ट करिछु जुबल दिव्यरंजन बेहरा एवं कौशल प्रधान से आरेस्ट करी आज कोर्ट फॉरवर्ड कराई तदंत चली संपर्क अधिक अपडेट पाए सहित फोन लाइन में जोड़ी होती आम प्रतिनिधि विश्वजीत दास विश्वजीत जो भाव में सूचना दूसरे पुलिस अधिकारी जे चारि जन तांको मानसिक भाव में चाप पकाइले जो कि से डेकिया नदी को डेई आत्महत्या करने बाध्य होते तुषारकांत तो दुई जन को गिरफ्त कर बाकी दुई जन किए एवं जो कथा कह प्रेम व्यापार थिला पूरा घटना कौन पुलिस वर्तमान सुधा खुलासा कला कि चारिज मानसिक निर्यातना दूसरे तुषारकांति जो कथा तुषारकांत मृत्यु घटना रे पुलिस पक्षर आज खुलासा करा जाई छी दुई जन को गिरफ्त करा जाई छी एवं परिवार लोकों कहवा कथा जे जड़े युवती जे बांधवी थे हाथ रही मृत्यु पछरे एवं चारि जनकर निर्यातना मानसिक निर्यातना सही न पारी
से नदी को महानदी को नहीं आत्महत्या करी पुलिस सूचना दे दुई जन को गिरफ्त करा जाए कोर्ट चलाण करा जाए सेप्टेम्बर 3 रे निखोज होते तुषारकांत ख्रीष्ट कॉलेज रो छात्र थिले तुषारकांत साहू जगतपुर थाना पुलिस दुई अभियुक्त को ए घटना रे गिरफ्त करी से कोर्ट चलाण करा जिवो तबे चारि जन ए घटना पछरे रही छथि एक कथा पुलिस जगतपुर थाना पुलिस एक कथा सूचना दे तबे बाकी दुई अभियुक्त किए एवं केबे धरा पड़े से संपर्क में पुलिस पक्ष किसी सूचना वर्तमान सुधा दि जाए परवर्ती खबर को जीवा साइबर अपराधी ठकईर नुआ फंडा साहय नारे ब्लाकमेलिंग हेल्प करिबा बहाना साइबर अपराधी करुच्छे ब्लाकमेलिंग एपरी एक अभियोग भुवनेश्वर साइबर हेल्प डेस्क को साइबर क्रिमिनाल माने लगातार युवती को फोन करुछंती फोन उठाउथुबा युवती मानंकु ब्लाकमेलिंग करा जाउथुबा अभियोग होईछि एपटे एपरी कॉल ठारु दूरै रहिबाकु निवेदन करिछि पुलिस ब्लाकमेलिंग रो नुआ फंडा टार्गेट रे सुंदरी युवती फंडा टंका रोजगार एथर ओटीपी की मोबाइल लिंक क्रेडिट कार्ड कि लक्षाधिक टंका रो लॉटरी नो युवती को ब्लाकमेलिंग करी युवती अकाउंट रु लक्ष लक्ष टंका आदाय करिवार फंडा सुंदरी युवती सावधान ठक बसई मायाजाल आपण भी हो पारती शिकार ब्लाकमेलिंग करेंगे फोटो वीडियो ऑडियो कॉल रेकॉर्ड वायरल होबार डर देखेबे तेबे किए ही ठक कौन ठके तरीका यह पछरे किए कहीं जाल बिछाऊ ठक जानवापी देखु स्पेशल रिपोर्ट तुम्हारा गोटे फोटो लिक हो जड़े पु से फोटो को एडिट कर वायरल कर साहय चाहते कि मो कथा शुणु समस्या समाधान हो विश्वास जन्मापी अपराधी जनक ओडिया कथा नुआ धरणर ठकईर अभियोग सामना को आसवा पर सतर्क कराई साइबर हेल्प डेस्क टी भल कर शुणु युवती और साइबर अपराधी अडियो को समाधान अफर देखर किसी प्रसंग बास्तवता ना अच्छी सत कथा अपराधी मैंने लगातार किसी नंबर को कल करती आउ जी फोन रिसीव करती से भाइराल भय देखा आउ जी भय कर जाए एक डरई से टा आदाय करती अभियोग सामना को आसवा पर साधारण लोक सतर्क कराई भुवनेश्वर डीसीपी उमाशंकर दास साइबर ठकों एभली कॉल रेकॉर्ड सामना को आसवा पर दूरे रहा कहा घटे थाना अभियोग करने को डीसीपी परामर्श देते भुवनेश्वर यूपीडी में दुई तीन टी भाया केस रुजुच्छी सीनियर सिटीजन मैंने क्राइम रिकार होती बहुत समय आम देखीचु फोन कल गुड़िकशा बाहर आसमें गणमाध्यम आप देखि विभिन्न समय कल कर अपराधी मैंने धरा पड़ते से जनक कल साइबर हेल्प डेस्क अभियोग प्रकृत सत जाना युवती जनक साइबर अपराधी को देखते कड़ा जवाब कौन कहल कौन ना तुम भाव कि मैंने जहाँ सांगे गोटे मजाक करदेवी अरे ना से कथा तुम सब कथा पर भूल मांगी था ठीक अच्छे तुम तो मौका देलनी तुमको कौन मिले मत कह
ଆଉ ତମକୁ କଣ ମିଳୁଥିଲା? ମତେ ଡରୁଥିଲ? ତମେ ଭାବୁଥିଲ ଯାହା କହିଲେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଫୋନ କରି ଷ୍ଟପ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଓକେ ଷ୍ଟପ୍ ଅଲ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ୟୁ ଆର୍ ପ୍ଲେଇଂ ୱିଥ୍ ସମନ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ସୋ। ହେଲା ହେଲା, ତମ ସରି ତମେ ଆସିଲେ ଚୋ ପାଖରେ କହିବ। ଏଭଳି ବ୍ଲାକମେଲିଂ କଲ୍ ଆସିଲେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ସହ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଓ ଯୁବପିଢ଼ି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ସାଇବର ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି କି ଆପଣ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଫ୍ରଡ୍ରାଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ତାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ପଚାରି ନିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଡିଟେଲ୍ସ ପଚାରି ନିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଲେ ପଚାରି ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପେମେଣ୍ଟ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁପିଡ଼ିରେ ଆମର ଯେଉଁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଅଛି କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ବ୍ଲାକମେଲିଂର ଆସିଲା ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖିବ ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। 99% କେସେସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଯେଉଁମାନେ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପୋଲିସରେ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ବଜାରକୁ ଆସିଛି ବ୍ଲାକମେଲିଂର ନୂଆ ଫଟା। ଟିକିଏ ଚାଲାକ ନହେଲେ ଅତି ସହଜରେ ଠକି ଯାଇପାରନ୍ତି ଆପଣ। ଡରେଇବା ସହ ଭୟଭୀତ କରାଇ ଠକ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜାଲରେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଠକେଇବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏହି ସାଇବର ଅପରାଧୀ। ହନି ଓ ମନି ଟ୍ରାପ୍ରେ ଫସିଥିବା ଡିଆର୍ଡିଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଘଟଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଖୋଲୁଛି ରହସ୍ୟମୟୀ ମହିଳାଙ୍କ ରହସ୍ୟ। ଡିଆର୍ଡିଓ ତଥ୍ୟ ଚୋରାଇବା ପାଇଁ ରହସ୍ୟମୟୀ ହ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ। ପ୍ରଥମେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଚିନ ହିଁ ଏହି ଟ୍ରାପ୍ରେ ଫସିଥିଲେ ଆଉ ମହିଳା ଜଣକ ଆଇଟିଆର୍ର ଗତିବିଧି ଉପରେ ପୁରା ନଜର ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଖିବା ଏ ରିପୋର୍ଟ। ହନି ଓ ମନି ଟ୍ରାପ୍ରେ ଡିଆର୍ଡିଓ ସଦସ୍ୟ ଲିଙ୍କ, ଖୋଲୁଛି ରହସ୍ୟମୟୀ ମହିଳାଙ୍କ ରହସ୍ୟ। ଡିଆର୍ଡିଓ ତଥ୍ୟ ଚୋରାଇବା ପାଇଁ ରହସ୍ୟମୟୀ ହ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ମୋବାଇଲ। ପ୍ରଥମେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଚିନ ରହସ୍ୟମୟୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଆସିଥିଲେ, ପରେ କଥା ଛଳରେ ସଚିନଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଯୁବତୀ ପଠାଇଥିଲେ ଏକ ମୋବାଇଲ ଲିଙ୍କ। ଆଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଚିନ ଏହି ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ମୋବାଇଲକୁ ଆସିଥିଲା ଏକ ଓଟିପି। ରହସ୍ୟମୟୀଙ୍କ ମାୟା ଜାଲରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ସଚିନ ଯୁବତୀଙ୍କ ହାତକୁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଦେଇଥିଲେ ଓଟିପି, ଆଉ ଏହାପରେ କାମ କରିଥିଲା ରହସ୍ୟମୟୀର ଚାଲ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଚିନର ମୋବାଇଲ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥିଲା ରହସ୍ୟମୟୀ ମହିଳାଙ୍କ ହାତରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଇଟିଆର୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଉଥିଲେ ରହସ୍ୟମୟୀ ମହିଳା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମହିଳା ଜଣକ ପାଖାପାଖି 8 ମାସ ହେବ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଚିନଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି। ଯୁବତୀଙ୍କ ମାୟା ଜାଲରେ ପାଗଳ ହୋଇଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ରହସ୍ୟମୟୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନୂଆ ସିମ୍ କିଣିଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ। ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ସରିବା ପରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମୋବାଇଲକୁ ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଡିଆର୍ଡିଓ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ଆଗକୁ ଆଉ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସିର ତାଳି ପକା କାମ, ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲଗାଯାଉଛି ବାଉଁଶ ବ୍ୟାରିକେଡ୍। ତେବେ ବିଏମ୍ସିର ଏ ପ୍ରହସନକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ଏହି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଦୂର କରିବ ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସମସ୍ୟା? ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପ୍ରହସନ, ମୃତ୍ୟୁରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବ ବାଉଁଶ ବାଡ଼। ରାଜଧାନୀରେ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ପାଲଟିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା। ବିଏମ୍ସିର ଖାମଖେଲି ମନୋଭାବ ନେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରେନ୍ ମୁକୁଳା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ବଦଳରେ ଲଗାଯାଉଛି ବାଉଁଶ ବ୍ୟାରିକେଡ୍। ଏହା ସହ ଲଗାଯାଇଛି ସୂଚନା ଫଳକ, ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବାଉଁଶ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିର୍ମାଣ ବିଏମ୍ସିର ତାଳି ପକା କାମ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସ୍ୱରେଜ ସିଷ୍ଟମ ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ପ୍ଲସ୍ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ। ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା ରେନ୍ ୱାଟର ଆଉ ଯେତେ ଆକୁମୁଲେଟେଡ଼ ୱାଟର ସେଗୁଡ଼ାକ ବୋହି ନେବା ଦରକାର। ଏଇ କାମଟା
प्रिपेयरनेस माने वर्षा दिन में करवा अपेक्षा तो पूर्व यहाँ स्थायी भाव में जो समाधान कराए तो बहुत प्रोब्लेम सल्व हो परमानेंट काम नक यार कौन सी मूल्य ना से बाँस बाड़ पुणी गाई आसिक भांगिदेव पुणी आउ थे रिपेयर कर ये कर जो प्रोब्लेमटा एक्जिस्ट कला खाली आम ताली पका कम टी करदे ये बाँस बाड़ ये कौन बाँस बाड़ खपुरी गाड़ी काती सीढ़ी एगुटा कौन ये यूज करें ये पूरा स्मार्ट सिटी आम स्मार्ट हवा आउ स्मार्ट कौन हो बाँस पोल देखिए अल्प यार आगे बिल के हम ये बाँस ना जमी करोना बाउंस ना पांच लक्ष होगा गोटे जगार सेमती बाउंस ना भी देखिए लक्ष लक्ष टा आरंभ हम पानीर रास्ता देखी ड्रेन सिस्टम हेले मुझे भावी एरिया प्रत्येक भुवनेश्वर कटकवासी सुरखुरी रही है ड्रेन कम भाया हम गाइडलाइन अनुसार समस्त ड्रेन स्लाब पकाइबा बाध्यतामूलक नियम पालन करीएमसी महानगर निगम फेल मारी देशर नंबर वन स्मार्ट सिटी मुकुला ड्रेन बारंबार जीवन जीवा घटना बीएमसी अधिकारी कार्यधारा को नहीं प्रश्न उठाऊ सेपटे एने बीएमसी कमिशनर सफे 63 वर्ष पर अत्यधिक वर्षा जो भुवनेश्वर एमती स्थित उपजी प्राय 75 पॉइंट आम आईडेटिफाई करूँ जो कि वाटर लॉगिंग समस्या ए बर्षर रेकर्ड बर्षार गत कालीठ से 75 वल्नरेबल पॉइंट रिव्यू करी खूब शीघ्र ए सबू 75 पॉइंट आमे तापाई कार्य आरंभ करिवु एठी प्रश्न उठुची असराय बर्षारे काहे की उबटुब हेउची राजधानी स्मार्ट सिटी रो मुकुला ड्रेन पई ताई के मुकुला ड्रेन रो समाधान परिवर्ते लगा जाउची बाउंस बाड़ एवं जनसाधारण को सतर्क करिबा पई लगा जाइची सूचना फलक एठी प्रश्न उठुची केबे हबो राजधानी रो ड्रेनेज रो स्थायी समाधान भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सुमन साहू को सह कविता स्वाई अर्गस न्यूज बरबाटी धौली एक्सप्रेस रे जारी रहबा आगु को भी खबर रो यात्रा किंतु समय हे गुटे छोटो बिरति परिमल व्यवस्था को सुदृढ़ करिबा हेउछि बीएमसी रो काम किंतु परिमल व्यवस्था विरोध रे संगीन अभिजोग आनिछंती स्थानीय बासिंदा बीएमसी निर्माण करथिबा एमसीसी प्लांट विरोध रे बर्षिछंती कपिल प्रसाद बीडीए बासिंदा एमसीसी प्लांट जगु एठारे पूरा परिवेश होइछि पुति गंधमय फलरे स्थानीय बासिंदा अनेक असुविधार सम्मुखीन होउथबा अभिजोग करिछंती देखबा रिपोर्ट एमसीसी प्लांट बढ़ाइला चिंता दुर्गंधरे फाटी पड़ुछि नाक बीएमसी को दायी कले कपिल प्रसाद बीडीए बासिंदा दूषित वायुरे पूरा अंचल पुति गंधमय निश्वास प्रश्वास नेबारे कष्ट अनुभव करुथबा अभिजोग गोबर खतर एते दुर्गंध जे स्थानीय लोकमाने रही पारुनथिबा अभिजोग होइछि गंधरे झरका कबाट बंद करि रखुछंती एमिति कि एसी खोलिले भी गंध जाउछि एमिति किछि अभिजोग आसिछि कपिल प्रसाद पीडीए कॉलोनी रु एही स्थान रे बीएमसी निर्माण करिछि एमसीसी प्लांट जहाँ लोकंक जीवन को ठेली देछि विपद भितरकु बीएमसी को विरोध कले स्थानीय बासिंदा एही प्लांट रे विभिन्न स्थान रु अळिया आवर्जना आनि रिसाइक्लिंग करा जाउछि जहार दुर्गंध रे अंचलवासी रही पारु नथिबा अभिजोग करिछंति तेबे एठारे थिबा रेसिडेंस एरिया रा मात्र 5 फुट दूर रे निर्मित होइछि एही प्लांट निर्माण बेले एहाकु स्थानीय बासिंदा विरोध करितबा बेले कोनोसी प्रकार गंध हेबो नाइ बोली बीएमसी पक्षरु आश्वासना मिलिथिला किंतु एबे एहा विफल होइछि भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गोटे एभली संस्था जोठि कि स्वास्थ्य एवं परिमल व्यवस्था को गोटे माने ध्वंस करा होउछि एवं जो माने अछंती एठी नागरिक सेमानक जीवन को विपद भितर को मृत्यु मुख को ठेली दिया होछि सबुबेले झरका कबाट बंद करके रहुछु बंद कर रहबा द्वारा स्वास्थ्य ऊपर हमरो बहुत प्रभाव पडुछि आ आमे चाहुछु एठु एटा आपण माने पूरा बंद कर दियंतु आमे चाहुनु किछि गोटे आ प्रकल्प अलसमान कहुछन जे आमे किछि करिवु जा द्वारा एटा माने गंध कम हबो हमरो गंध कम हबा दरकार नै किछि नै एठु उठै देबा निहाति दरकार बोली आमे सरकारन को एटा दाबी करछु एमसीसी जेउ सब स्थान रे रहिछि तारो मुख्य उद्देश्य हेउछि विभिन्न वार्ड रो अळिया आवर्जना को संग्रह करी सही स्थान रे कंपोस्ट करिवार व्यवस्था रहिछि किंतु एही अंचल रे गंध हेउतबारु एहाकु स्थानीय बासिंदा विरोध करिछंति सेबडे एनी प्रतिक्रिया रखिछंति बीएमसी डेप्युटी कमिश्नर अंशुमान रथ सेमाने एही समस्या प्रति अवगत थिबा बेले आगामी दिन रे टर्बो फ्यान लगाजबो बोली कहिछंति
तेबे आजे जाए काहिंके टर्बो फैन लगा जाइनी बोली साधारण प्रश्न उठी। ए अवस्था जदि माने जदि आमको एमिति हैरान करंती आमे रही पारुनु खाई पारुनु बसी पारुनु जदि करिवे ताने विल हैव एजिटेशन एजिटेशन पई सेतले आमे सब इति एते आमे ये नु आमे शिक्षित लोक सब अछु तेनु एजिटेशन पाकु आमे जाऊ नाउ जदि से जदि आमार कथा के न सुनिबे त आमे एजिटेशन करिवु आउ मेक श्योर दैट दिस इज बीन रिमूव्ड हियर। प्रत्येक एमसीसी रे से प्रॉब्लम ती नाही केवल गोटे दुटी एमसीसी रे आमे प्रॉब्लम ती हुजानम करिछु एवं ताकु मिटिगेट करिवा पई आमे इंजीनियरिंग ऑलरेडी जो टर्बो फैन अच्छी प्रत्येक एमसीसी रो जो सीलिंग रे आमे टर्बो फैन मध्ये इंस्टॉल करछु आपन आबो जहां भी नुआ एमसीसी हबो जो कंप्लीटली टर्बो फैन रहिबो जो थे जो आमे एयर पी अच्छी सेटा स्टैग्नेट नहि बहुत जल्दी सर्कुलेट हे जइबो एवं पाक पाक लोक जे अछन्ति से माने कोनसी असुविधा रे सम्मुखीन हेबा नै। तबे बीएमसी रा परिमळ व्यवस्था सह स्वच्छता दिग प्रति अधिक ध्यान देबा बदल रे पूरा अंचल रे पुती गंधमय सृष्टि करथबारु साधारण रे असंतोष प्रकाश पाइछि तेबे केबे समस्यार समाधान हेबो ताकु ही अपेक्षा करिसेंति स्थानीय बासिंदा। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सनातन बेहरांक सह चिन्मयी साहूंक रिपोर्ट अर्कस न्यूज। भुवनेश्वर क्लब रा सभापति निर्वाचित होइछन्ति असित त्रिपाठी 776 भोट पाई विजय हासिल करिसेंति असित तांका प्रतिद्वंदी विजय पटनायक पाइछन्ति 498 भोट विजयंक ठारु असित त्रिपाठी 278 भोट रे विजयी होती विजय पर भुवनेश्वर क्लब को बहुमुखी क्लब करेंगे बोली असित संस्कृति उन्नतीकरण करने क्लब्र सदस्य मान विभिन्न क्षेत्र में स्किल विनियोग से प्रतिक्रिया रखिंट गोटे क्लब्रे डेमोक्रेसी बहुत इंपोर्टेंट कौन सी अनुष्ठान डेमोक्रेसी बहुत इंपोर्टेंट एवं भुवनेश्वर क्लब्रे बहुत दिन पर यह एंगेजिंग इलेक्शन जो है ये गुड़ाए पार्टिसिपेशन आ मुझे भावे यहाँ गोटे वाटरशेड इलेक्शन है वर्ष एवं या फल मेम्बर मान पार्टिसिपेशन रेम्बर मान इश्यूज आगक आसीपर एवं तार सल्यूसन केमी पाइबा ओनली मैनेजमेंट कमिटर मेम्बर नुह यही क्लब्रे आम सहर इंटेलीजेन्सिया मेम्बर अच्छा प्राय 3000 उपरे केमी नहींक्र विभिन्न समस्या समाधान कर क्लब को बहुमुखी क्लब करा मोर उद्देश्य आउ ए इलेक्शन रे समस्त सहायता करि थिबारु मु समस्त को धन्यवाद ज्ञापन करूची। अलोडा होई पड़ी कटक ओडिया बाजार रे थिबा नेताजी व्याख्यान केन्द्र कोठा भांगी पड़ीथिया बळे बाहर रा परिसर बड़ जंगल पाया से ओटीटीसी रा अवहेला हेउ कि कटक महानगर निगम रा पारगता अलोडा होई पड़ी नेताजी व्याख्यान केन्द्र एबे प्रश्न उठू ए व्याख्यान केन्द्र रा पुनरुद्धार केबे हेबो। 5 वर्ष पूर्वे निर्माण होता नेताजी व्याख्यान केन्द्र यार भितर केवल मरामती खर्च होती पखापाखि 2.5 कोटी टंका एपर्त कार्यक्षम हो पारिना तेज कौन रही यार बास्तव स्थित ताकूनी आम रियालीटी चेक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को असमान व्याख्यान केन्द्र पलटि असामाजिकों अड्डा पाने में बुड़ाई दे 2.5 कोटी टंका देखे दृश्य को किपरी भावे अलोड़ा हो पड़ी कटक ओडिया बजारे थिबा नेताजी व्याख्यान केन्द्र छात झरका भांगी पड़ता बेले भंगा कांथ को एबे मरामती करा जाउछि बाहर परिसर बण जंगलमय राति रे इठी असामाजिकों अड्डा जमुछि हेले एथिप्रति काहार नजर नाही। कटक जिला प्रशासन कटक महानगर निगम नेताजी को कहीं अवहेला करवासी बुझीपना आम कटक जिलापाल कटक महानगर निगम कमिश्नर टूरिज्म कल्चर ये 4-5 डिपार्टमेंट या भितर बसिक अच्छा तो आम जापना कि ये किए के कौ कम करपराध सरकार जो भाया ध्यान दिखाई सावध पुआ भाया व्यवहार करा मत बहुत बाधु एक व्याख्यान केन्द्र में ऑडिटोरियम हॉल व्यवस्था होता बेले 50 सीट लाइट एंड साउंड बॉक्स और प्रोजेक्टर लगा जाइथिला पर्यटकों को नेताजी जीवनी विषय में अवगत कराइबा गवेषणा करने उद्देश्य यार निर्माण करा जाइथिला मात्र 2016 मसीह निर्माण करा जाइथिबा एही केन्द्र ए पर्यंत कार्यक्षम हो पारुनि जो ऑडिटोरियम जो उद्देश्य करा जाइथिला आज जरासंध अवस्था पड़ रही 2.5 कोटी टंका खर्च होता निर्माण एवं
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ହେଲା ପରେ ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆହୁରି କୋଟି ଟଙ୍କା 250 କୋଟି ଟଙ୍କା କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଲା ପରେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଯାହା ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ନିଜେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିକି ବସିକି ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରୁ। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଓଟିଡିସିର ଅବହେଳା ହେଉ କି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ଅପାରଗତା, ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଛି ନେତାଜୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ କେବେ? କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଦେବଦୂତ ସାଜିଲେ ଡାକ୍ତର, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନିଶା, ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ ଡାକ୍ତର ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତି ସାଜିଛନ୍ତି ଗରିବ ରୋଗୀଙ୍କର ଦେବଦୂତ। ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଡାକ୍ତର ସାଜିଲେ ଦେବଦୂତ, ଗରିବଙ୍କ ହେଲେ ସାହା, ଏମିତି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ ଡାକ୍ତର ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତି। ଜଣେ ଗରିବଙ୍କ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 32 ବର୍ଷର ସଞ୍ଜୁ ଜେନାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଓ ଜଙ୍ଘହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା ଶୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଚାଲି ନ ପାରିବାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଘରେ ବିଧବା ମା ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଫୋନି ଯିବା ପରେ କେତେ ତାପରେ ପାଲ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ପାଲ ତାପରେ ଆସି ପକେଇକି ଖସି ପଡ଼ିଲି ଉପରୁ, ପଡ଼ିକି ପଇସା ଅଭାବରୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲି ଘରେ ପଡ଼ିକି ବିନ୍ଧା ଚିଟିକାରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମନ ହେଉଥିଲା। ଜଣେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସବୁ କୁହା କୁହି କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ କହିକିରି ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ସେ ଆଣିକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍, ଆଉ ସେ ନଥିଲେ ତ କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ନା। ସୁବ୍ରତ ସାର୍ କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ତ ଇଏ ସବୁ ନର୍ମାଲ ଅଛି ବୋଲି କାଲି ସବୁ କହିଲେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ। ଅଣ୍ଟା ତଳକୁ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସଞ୍ଜୁ ଚାଲିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ କରାଯିବ ଓ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଏମିତି କାମକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାର ଅପରେସନ ହବ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯଦି ସବୁ ଠିକ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ଗୁରୁବାର ସୁଦ୍ଧା ନର୍ମାଲି ଚାଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଅପରେସନ କରୁଛୁ ଏଥିରେ ଗୁରୁବାର ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ୱାକର ନେଇକି ଚାଲିବ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନର୍ମାଲି ଚାଲିବ, ତ ଆମେ ଏହା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଇଏ ହେଇପାରିବ ବୋଲି। ତେବେ ଗୋଡ଼ ଓ ଅଣ୍ଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପଙ୍କୁ ପାଲଟି ଯିବାକୁ ଥିବା ସଞ୍ଜୁ ଜେନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମୟ ହେଉଛି 12 ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଆଜି ପାଇଁ ଖବରର ଯାତ୍ରାକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।